जय माता रानी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि में जवारे क्यों बोए जाते हैं एवं यदि हमारे जौ का रंग पीला, हरा, सफ़ेद इत्यादि है तो इसका क्या मतलब होता है। इसी के साथ ही यदि जवारे अधिक मात्रा में निकल जाए तो उनका क्या मतलब होता है। जौ का देर से उगना क्या संकेत देता है। साथ ही अशुभ संकेत होने पर हमें क्या उपाय करने चाहिए एवं नवरात्रों के बाद जवारों का क्या करें। दोस्तों, नवरात्र पर माँ दुर्गा की उपासना व उनके आशीर्वाद पाने के लिए विशेष माना गया है। पवित्र मन से माँ की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्र के 9 दिनों में लोग अपने घरों में अखंड जोत जलाते हैं, साथ ही माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्र में कलश स्थापना और ज्वारे यानी जौ का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है एवं साथ ही जो बोए जाते हैं। कहा जाता है कि इसके बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश स्थापना के साथ जो बोने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। आइए जानते हैं नवरात्र में आखिर जो क्यों बोए जाते हैं, इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। जो को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तब वनस्पति में जो फसल सबसे पहले विकसित हुई थी वह थी जो। इसलिए नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है। इसलिए जब भी देवी देवताओं का पूजन या हवन किया जाता है तो जौ ही अर्पित किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जौ अन्न यानी ब्रह्मा के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम जौ से मिलने वाले कुछ संकेतों के बारे में बात करेंगे। अगर विधि पूर्वक जौ बोई जाए तो इसका फल शुभ होता है। आपको बता दें कि जौ नवरात्रि की शुरुआत में ही अंकुरित होने लगे तो यह शुभ माना गया है। जौ अगर सफ़ेद या हरे रंग के उगे तो यह सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होने का इशारा करता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई है, आने वाला पूरा साल आपके लिए खुशियों से भरा हुआ होगा। अगर जौ ज़्यादा मात्रा में निकले और एकदम से हरे हो तो इसे भी शुभ माना जाता है। ये समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा होने पर व्यक्ति को धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, साथ ही घर में खुशहाली आती है। यदि नवरात्र में कलश स्थापना के दौरान बोए गए जो 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं तो यह बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि 2-3 दिन में जो नहीं उगे तो यह अच्छा नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद भी उसका फल नहीं मिलेगा। अंकुरित जौ का रंग अगर नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो तो साल का आधा समय अच्छा बीतेगा और आधा समय खराब रहेगा। यदि जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो साल का शुरुआती समय ठीक होगा और आखिरी समय परेशानियों से भरा हुआ होगा। यदि जौ सफ़ेद या हरे रंग की उगती है तो यह शुभ संकेत है। अंकुरित होने के बाद जौ की घास अगर झड़ रही है या टूट रही है तो यह अशुभ संकेत है। बोए हुए जो ठीक ढंग से पानी आदि देने के बाद भी नहीं उग रहे हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इसी के साथ ही काले रंग के जो उगना भी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर जो सूखी एवं पीले रंग की है तो जीवन में कई संकट आ सकते हैं। इसीलिए इन संकट से निजात पाने के लिए हमें माँ से आराधना करनी चाहिए एवं इसी के साथ ही निर्वाण मंत्र का जाप करना चाहिए। निर्वाण मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 9 अक्षरों वाले इस निर्वाण मंत्र के एक एक अक्षर का संबंध दुर्गा माँ की एक एक शक्ति से है और उस एक एक शक्ति का संबंध एक एक ग्रह से है। इस निर्वाण मंत्र के देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश है तथा इसकी 3 देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है। दुर्गा माँ की यह 9 शक्तियाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में भी सहायता करती है। निर्वाण मंत्र का जाप 108 दाने की माला पर कम से कम 3 बार अवश्य करना चाहिए। आइए इसके बाद हम बात करते हैं नवरात्रि के बाद जवारों का क्या करना चाहिए। नवरात्रि के बाद विजयदशमी के दिन सुबह सबसे पहले स्नान करें और इसके बाद देवी माँ की पूजा करें। देवी को गन, चावल, फूल इत्यादि चढ़ाएं और फिर जवारों की भी पूजा करें। चावल, फूल, कुमकुम आदि चीज़ों को चढ़ाएं एवं इन जवारों को सहसम्मान नदी, तालाब या अन्य किसी जल स्रोत तक लेकर जाएं। हाथ में चावल व फूल लेकर जवारों का इस मंत्र के साथ विसर्जन करें। गच्छे गच्छे सुश्रेष्ठ स्वस्थानम परमेश्वर पूजा आराधना काले च पुनरागमनाय। इसके बाद जवारों को विसर्जित करें एवं यदि आपके घर के आसपास जल निकाय ना हो तो किसी पीपल या बड़ के पेड़ की जड़ में भी रखकर आ सकते हैं। जवारे विसर्जन करने के बाद माता से घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें।
धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में।